पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। उसी क्रम में ताज नगरी आगरा में 321 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर केंद्र सरकार के 4 मंत्रालयों में सीधे नौकरी देकर अपना वादा पूरा किया गया। आज देश के 45 शहरों में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर सरकारी नौकरियां दी गयी। सरकार की अगर बात की जाए तो दिसंबर महीने से पहले युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने की बात कही है, जिसके पहले चरण को आज पूरा किया गया। खुद प्रधानमंत्री ने वर्चुअली जोड़कर इन सभी युवाओं को संबोधित किया, साथ ही बटन दबाकर एक साथ 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी जारी किए। ऐसे में सभी 45 शहरों में ये कार्यक्रम वर्चुअल किया गया, जिनमें केंद्र मंत्री संजीव बालियान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उनके साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मीडिया से मुखातिब होते वक्त केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर हमला किया, साथ ही कहा कि पूर्व में विशेष समुदाय के लोगों को ही नौकरी दी जाती थी, लेकिन अब युवाओं को उनकी काबिलियत के दम पर नौकरी दी जा रही है। हमारी सरकार दिसंबर माह तक सभी 10 लाख युवाओं को नौकरियां मुहैया करवाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, अक्टूबर में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा तय किया गया था कि जो केंद्र सरकार में 10 लाख पद खाली है, जो शायद आज़ादी के बाद कभी नहीं भरे गए होंगे, उन्हें हमें इस दिसंबर तक भरना है। ये पांचवा रोजगार मेला है अक्टूबर के बाद। अब तक करीब 3,60,000 से ज़्यादा युवाओं को केंद्र सरकार की नौकरी मिल चुकी है। अगले 6 महीने में हमारा टारगेट है कि दिसंबर तक जो बाकी बची हुई करीब 6.25 लाख नौकरियाँ वो करके जो 10 लाख का टारगेट माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है पूरे देश में रोजगार देने हैं केंद्र सरकार में, वो हम पूरा करेंगे। और ये शायद पहली बार हो रहा है कि लगातार हर एक महीना 1.5 महीने के बाद 70,000 75,000 युवा केंद्र सरकार की नौकरी ज्वाइन कर रही है।